लगाकर अपने चमन में आग, वो देखो हर शख्स मुंह छुपाए खड़ा है। जी हाँ, स्मोग की सफेद चादर ने साइबर सिटी को अपने आगोश में ले रखा है। दिवाली से पहले ही मौसम के जानकारों ने यह आदेश जताया था कि दीपावली के आतिशबाजी से सिटी के हालात और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। वहीं दीपावली के दो दिन बाद प्रदूषण स्तर के हालात बेहद खराब हालत में हो चले हैं। यह जहरीली सफेद चादर लोगों को जहां सांस लेने में परेशानी पैदा कर रही है, तो वहीं साइबर सिटी में सांस के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें भी बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर नाकाफी सभी होती जा रही हैं। आपको बता दें कि इस खतरनाक हो चले प्रदूषण का अंदाजा आप इसी सरकारी आदेश से लगा सकते हैं कि अगले तीन दिन में दिल्ली में मेट्रो की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ऐसे में प्रदूषण स्तर को कम करना जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती जरूर बनता जा रहा है। डीजल की गाड़ी की कोई भी एंट्री नहीं है, जो डीजल की गाड़ी आती है उसको हम प्रॉपर डाइवर्ट करते हैं, या अगर वो नो एंट्री में आता है तो उसका चालान करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गुड़गांव में शंकर चौक पे हाईवे के ऊपर और नीचे इधर उद्योग विहार साइड में और आपके मानेसर और पचगावा और रेवाड़ी बॉर्डर पे नाके लगाए हुए हैं। कोई भी गाड़ी डीजल गाड़ी को दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है और लगभग 10-12 गाड़ियां को मैंने डाइवर्ट करवा दिया और रात की रूटी में काफ़ी गाड़ियां डाइवर्ट हो गई है। 4-5 गाड़ियों को चालान किए गए हैं और का तो मुझे डिटेल पता नहीं है हमारे।